हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे धनतेरस के अवसर पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त की। देवों के चिकित्सक धनवंतरी के जन्म के रूप में मनाया जाने वाला धनतेरस इस साल 2 नवंबर दिन मंगलवार को है। ये त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन देव वैद्य धनवंतरी की पूजा से व्यक्ति को आरोग्य और निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनवंतरी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धनवंतरी, चतुर्दशी को माँ काली और अमावस्या को माँ लक्ष्मी सागर से उत्पन्न हुई थी। इसलिए धनवंतरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय धनवंतरी ने संसार को अमृत प्रदान किया था। उन्होंने ही धनतेरस के दिन आयुर्वेद की भी खोज की, जिससे आज भी मानव जाति का कल्याण हो रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस होता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर को दिन में 8:35 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 3 नवंबर को प्रातः 7:14 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस 2 नवंबर को होगा। धनतेरस पर खरीदारी का मुहूर्त दिन में 8:35 से रात्रि तक है। वहीं धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन का उत्तम मुहूर्त प्रदोष काल और वृष लग्न में सायं 6 से रात 7:57 तक है। धनतेरस के दिन सायं काल व्याप्त त्रयोदशी में यमराज को दीप दान किया जाता है। धनतेरस के दिन लोग सोने या चांदी के आभूषण और सिक्के, बर्तन, खील बतासे, मिट्टी के दीपक, मोमबत्तियां आदि खरीदते हैं। कई स्थानों पर धनतेरस के दिन ही दीपावली की पूजा के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी खरीदी जाती हैं। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।